हेलो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सेटअप अलग है क्योंकि जहाँ पे मैं यूजुअली रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ जगह नहीं मिली मेरे को। पर ये वीडियो लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, तो इसलिए अब ऐसे करके एक थोड़े से नए सेटअप में थोड़े नई तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट हाँ, ये मेरा माइक है, सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ऑडियो साफ़ आ रहा होगा। सो आज बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ योर MTAR IPO। 5 तारीख तक ये IPO खुलेगा और ये 3 तारीख कल मार्केट में बिडिंग के लिए लिस्ट हो जाएगा। इसकी एक डिटेल्ड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड बिफोर वी गो इनटू द डिटेल डिस्कशन, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने इसके लिखे हैं। पहले स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक से कि कंपनी क्या करती है और कंपनी कहाँ है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं, जो कि मुझे लगता है उनका सबसे ज़्यादा यूनिक सेलिंग फीचर बनेगा इन फ्यूचर, एंड कुछ वो नंबर जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द कंपनीज़ नेम, MTAR टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। नाउ ये कंपनी करती क्या है? ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस कंपनी का काम किन किन सेक्टर्स में है पहले ये देख लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग चीज़ है क्या। ये कंपनी इंडिया की न्यूक्लियर, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के लिए, जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स जब यूज़ किए जाते हैं उसमें एरर ऑफ मार्जिन, जो मार्जिन का जो एरर का मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसको ही हम कहते हैं प्रिसिशन इंजीनियरिंग। एज एन लाइक एक ऐसी चीज़ बनाना जिसमें एरिया ऑफ एरर और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो। तो ये कंपनी इंडिया की न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की में काम करती है। ये 3 सेक्टर इस कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स भी हैं, अभी मैं नाम लेने वाला हूँ। अब बात करते हैं ये बेसिकली इन लोगों के लिए करती क्या है। तो इनके वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, जिनमें से किसी भी पर्टिकुलर मिशन के रिलेटेड अगर कोई बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट बनाना होता है, ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें हम आप तक तो डिस्क्लोज होंगी नहीं, पर एक ओवरव्यू देने के लिए ये कंपनी इन सेक्टर्स में काम करती है, जो कि है इंडियन न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में, और क्या बनाती है? मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ दिस कंपनी। सेकेंड, ये कंपनी है कहाँ पे? तो इनके अभी 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कहाँ पे हैं? हैदराबाद में है। तो ये तो हो गई आपकी इसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि जो 3 सेक्टर मैंने आपको बताए जिन सेक्टर के लिए ये लोग काम करते हैं, तो इनके कुछ बहुत एस्टीम्ड क्लाइंट्स भी हैं, तो उन एस्टीम्ड क्लाइंट्स के भी नाम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च, DRDO, रफाइल। सो दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज आर देयर वेरी एस्टीम क्लाइंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी के क्लाइंट इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी कोई छोटी मोटी और कुछ एरर से भरी हुई चीज़ तो बनाती नहीं होगी। ये कंपनी का हमको जनरल इंट्रोडक्शन देती है कि येस, ये कंपनी करती क्या है। अब बात करते हैं कि इसका IPO की जो बिडिंग है, इसकी बिडिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप इसके लिए बिडिंग कर पाएंगे, और एक लॉट के अंदर जो आप बिड करेंगे उसमें आपको 26 शेयर्स अलॉट होंगे। अगर इसकी प्राइस बैंड की बात की जाए कि जिस प्राइस तक आप इसमें मतलब बिडिंग कर पाएंगे, दैट इज़ 574 to 575 रुपीज़, विच इज़ 575 इज़ द कट ऑफ प्राइस। सो अगर कोई करना चाहता है, देन आई वुड सजेस्ट आप कट ऑफ प्राइस पे ही बिडिंग करें, उसको अलग से चेकआउट करके 574 पे 1 रुपये ना बचाए 26 शेयर पे, क्योंकि हो सकता है, अगर मेरी आपने पिछली वीडियो देखी हो, इस चक्कर में बहुत टाइम आपके IPO की अलॉटमेंट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गई इन दो चीज़ ये दो चीज़ों की बात कि आपको किस डेट से किस डेट तक इसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एंड क्या लॉट साइज है और कितने का बैंड का प्राइस है। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे मैंने इसके कुछ डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको मुझे बताने हैं। बेसिकली आप मार्च 3 से 5 तक इसमें बिडिंग करेंगे। जो अलॉटमेंट की डेट बेस्ड ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट अपडेट हुई है वेबसाइट्स पे, वो इज़ 10th of March। अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं होगी उनको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 12 मार्च को। अगर ये बात करूँ जिनको अलॉटमेंट 10 तारीख को हो जाएगी, उनको 15th को उनके शेयर्स जो हैं उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, एंड 16 तारीख को इस कंपनी की फाइनल NSE और BSE दोनों जगहों पे लिस्टिंग होगी। तो ये तो हो गई इसकी बहुत ही बेसिक सी एक एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं कि ये जो IPO आ रहा है, इस IPO ये कितना सारा पैसा जो है मार्केट से जनरेट करेगी, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें आधे टाइम तो ये नहीं पता होता कि कंपनीज तो आ रही हैं और कंपनीज पैसा उठा तो रही हैं मार्केट से IPO के थ्रू, पर उसका यूज़ क्या है? तो वो बात कर लेते हैं। 596.41 करोड़ रुपीज़ का ये IPO मार्केट में उतारा जाएगा, तो कंपनी इज़ ट्राइंग टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ द मार्केट। उसमें से
ये जो अब मान लीजिए ऑब्वियसली बात है कि कितने शेयर्स की क्वांटिटी है ये कैसे निकालेंगे, 596 करोड़ डिवाइडेड बाय 575, तो इतने शेयर्स अब मार्केट में उतारे जाएंगे इस कंपनी के, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब द पॉइंट इज, हर बार जब हम पैसा डालते हैं किसी कंपनी में तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा डायरेक्टली उठ के उस कंपनी में ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी वो कुछ कुछ चीज़ें जो हमें जाननी है वो जान लेते हैं कि आउट ऑफ 596 करोड़ रुपीज़, 123 करोड़ रुपीस इज द फ्रेश इशू। इसका मतलब ये 123 करोड़ इस 596 में से कंपनी अपने अकाउंट में ढालेगी जो कंपनी के यूज़ में जाएगा। और अगर हम बात कर ले बाकी के 472 करोड़, और टू बी प्रिसाइज 472.90 करोड़ रुपीस, दैट इज़ फॉर ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, और इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड OFS। OFS का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का जो मालिक है, वो अपने हिस्सेदारी बेच रहा है मार्केट के ऊपर। मतलब उसके पास कुछ शेयर थे, अब वो शेयर वो नहीं रखना चाहता अपने पास, तो अपने आप से थोड़े जो अपने शेयर्स थे उसके, वो अब मार्केट में खुद वो बेच रहा है आपको, और उसी पैसे, वो जो पैसा है वही है वो 472 करोड़ आउट ऑफ द 596 टोटल। तो ये बात आ गई समझ में। अब बात कर लेते हैं अभी अगर हम प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करें, अभी कंपनी के अंदर, अभी लिस्ट नहीं हुई है, अभी अगर कंपनी की प्रमोटर जो मालिक है उसकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, तो कंपनी का मालिक इस कंपनी के अंदर 62.24% की हिस्सेदारी रखता है। बट 15 तारीख को या 16 तारीख को जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी और इतने सारे शेयर ये ऑफर फॉर सेल से निकाल देगा, तब मालिक की जो हिस्सेदारी है, जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, वो 50.25% की रह जाएगी सिर्फ। सो ये आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। आप फटाफट से बात कर लेते हैं कि इनके जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट है उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है कि इनके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स बेसिकली इनके हिसाब से क्या हैं। तो इनके हिसाब से दे हैव अ वाइड वैरायटी एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सेकंड इज दे हैव यू नो द 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो मैंने शुरू में बताया था, तो ये उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में कि भाई इनके वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो ये इनकी ना कि कोई सेलिंग USP है। बट मेरे हिसाब से जो इनकी सबसे बड़ी सेलिंग USP है वो है इनके क्लाइंट्स। अगर कोई कंपनी के ऊपर बैंक करना चाहेगा, भरोसा करना चाहेगा, तो वो यही देख के करेगा कि यार इस कंपनी के क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े हैं, तो यार ये कंपनी कहीं भागेगी नहीं या डूबेगी नहीं। तो जो क्लाइंट्स की मैंने बात बताई जैसे DRDO, राफेल और इसरो, तो ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अगर प्रमोटर के बारे में बात करें कि प्रमोटर कौन है इस कंपनी का, तो प्रमोटर है इट इज़ अ स्टार्टअप फ्रॉम अ फैमिली, रेड्डी फैमिली नाम है, मतलब नॉट रेड्डी फैमिली, उनका सरनेम रेड्डी है। सो आई नॉट गो इन टू द नेम्स बिकॉज यू नो द साउथ इंडियन नेम्स अ बिट कन्फ्यूजिंग, सो मैं मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाहता उनको। सो बेसिकली आप इनके इसके बारे में जाके आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में इनके पर्टिकुलर नाम पढ़ सकते हैं, बट येस इट इज अ कंपनी फॉर रेड्डी फैमिलीज, तो रेड्डीज का है ये। अब बात करते हैं कि ये IPO जो ला रहे हैं ये इस IPO का करेंगे क्या, हमें ये भी बहुत जानना जरूरी है कि इस IPO का ये करेंगे क्या। सो IPO का जो सबसे बड़ा मोटिव कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है वो ये है कि कंपनी जो अपनी ऑनगोइंग जो अभी की जो मार्केट से बोरोइंग्स हैं, जो डेट है कंपनी की, मतलब हिंदी में समझे तो कंपनी अपना उधार चुकाने के लिए ये पैसा आपसे ले रही है, और बाकी का कुछ उधार चुकाएगी और बाकी के पैसों का अपने ही कंपनी में कुछ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, कुछ डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को करेगी। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई, कहानियां जो कहानियां आपको जाननी थी। अब बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। तो नंबर्स में दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी एग्जैक्टली कमाती अपने इंटरनली, इनके क्या क्या सेक्टर्स हैं इस कंपनी के अंदर जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। तो इनके मेजर रेवेन्यू आने के जो तीन जगह हैं वो हैं, एक है इनका क्लीन एनर्जी का सेक्टर जहां पे ये क्लीन एनर्जी पे काम करते हैं, एक है इनका न्यूक्लियर सेक्टर जहां पे ये न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करते हैं, एंड अनदर इज स्पेस एंड डिफेंस। अब इंटरेस्टिंग शिफ्ट मैंने जो इनके नंबर्स में देखे कि अगर हम बात करें, मेरे पास 2017 से लेके 2020 तक के अभी के जो 9 महीने के नंबर्स हैं, फ्रॉम मार्च 2022 दिसंबर 2020, तो ये मेरे पास 4 साल के नंबर हैं। तो अभी तक कंपनी 2019 के फिस्कल तक अपना 64% ऑफ द रेवेन्यू जो जनरेट कर रही थी अपना कंपनी वो क्लीन एनर्जी सेक्टर से थी। पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया इज़ नॉट इन वेरी गुड टर्म्स विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और अगर ले भी लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान और चाइना, इनका तो हम दिखाई देंगे, छोड़ दो उनको। बट इसके चलते एक नंबर्स में भी चेंज है इस कंपनी के कि अगर हम 2020 की बात करें तो ये 64% जो लास्ट ईयर का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी का
टोटल रेवेन्यू का 64% वॉज जनरेटेड फ्रॉम क्लीन एनर्जी ओनली, 20% वॉज फॉर न्यूक्लियर सेक्टर एंड स्पेस एंड डिफेंस वॉज 18 सेक्टर. बट अगर हम इस साल की बात करें 2020 की बात करें तो यही नंबर बदल के 47% हो गया है क्लीन एनर्जी, जो कि कम हो गया है, 30% हो गया है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ या न्यूक्लियर सेक्टर की तरफ, और 21% 3% का जंप मिला है हमको स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से. सो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के क्या प्लान है, तो ये भी आपको जानना जरूरी था. एक और बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी. अगर हम बात करें कि इस ये कंपनी अपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अपनी बहुत सारी डिवाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग जो भी बनाती है कंपनी, ये एक्सपोर्ट भी करती है, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू का जो एक्सपोर्ट है उससे ये 35% कमाते हैं. मतलब 100 रुपये टोटल अगर कमा रहे हैं तो 35 रुपीज़ ये अपना माल इंडिया से बाहर बेच के कमाते हैं. तो ये जो पैसा हम आईपीओ से इनको देने वाले हैं, तो ये पैसा ये इसको भी डाइवर्सिफाई करने में लगाएंगे, ये इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में मेंशनड है. अब अगर बात करें एक फाइनेंशियल फर्म की जिसका नाम है क्रिसिल, तो क्रिसिल के मुताबिक इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में जो इसको हम मान सकते हैं कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर से ये कंपनी आती है, तो अगर इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, इट इज़ एट 7% और 7.1 टू बी प्रिसाइज. सो इफ आई हैव टू कंपेयर इट विद अदर सेक्टर्स लाइक आईटी और एफएमसीजी और फार्मा, देन येस ये उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग यू नो एट अ वेरी कांस्टेंट पेस, एंड बाय 2025 दे एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय 8-9% एनुअली सीएजीआर जिसे कहते हैं. अब बात कर लेते हैं जो कि इसके कुछ और नंबर्स मैंने लिखे थे, वो भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके एनपीएटी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि सबसे बड़ा फंडामेंटल नंबर माना जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोच रहे हैं, और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग वेट करेंगे क्योंकि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां तक तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा भाई क्या ही बोले जा रहे, बोल करके जा रहे, बट बस इतना बता दो लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं उसकी बात करेंगे अभी, 2 मिनट रुको. सो अगर बात करें एनपीएटी की, तो एनपीएटी जो है इसका अगर 2017 से बात करें हम, मेरे पास लास्ट 4 ईयर्स का ही डेटा है, तो एनपीएटी पहले 17 में था 54 करोड़, देन इट जंप टू 391 करोड़ एंड देन 313 अगेन, क्योंकि वहां पे थोड़ा कोविड का इंपैक्ट आने लगा था, और इस साल जो 9 महीने के नंबर्स हैं इट इज 280 करोड़ अगेन. सो अगर हम इस बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यस इट इज अंडर अ गुड ग्राफ, तो इसको हम अच्छे ही नंबर मान के चल सकते हैं अभी के लिए. अब बात करते हैं मेन टॉपिक की जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे. तो देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऐसी कंपनीज या आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरी आईपीओ वाली उसमें भी मैंने बोला है, आपको एक चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में घुसना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से घुसना चाहते हैं. अगर लिस्टिंग गेन के लिए घुसना चाहते हैं तो ये पोर्शन आपके लिए है, क्योंकि अगर हम बात करें करंट मार्केट स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें करंट जो यूएस बॉन्ड यील्ड वापस से कम होते जा रहे हैं, अगर वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन अ वेरी गुड बुलिश मार्केट, तो मार्केट की सिचुएशन देखते हुए इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसके शेयर का, इट इज एट 440 रुपीज़ राइट नाउ, विच इज वेरी वेरी गुड. अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 440 रुपीज़ चल रहा है, 440 आई एम कोटिंग 2nd of March शाम के 6 बजे तक का नंबर, सो आई गॉट इट फ्रॉम वन वेबसाइट, सो मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज 440. तो अगर इसकी लिस्टिंग इशू की बात करें, अगर लिस्टिंग प्राइस की बात करें, अगर मार्केट ऐसा ही चलता रहा, सो ये 575 के ऊपर 440 पे लिस्ट होगा, मतलब क्लोज टू 80% का जंप देगा आपको अपने इशू प्राइस से. सो येस, अगर मार्केट ऐसा चला एंड इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर सम रीजन नहीं गिरता, सो येस वी हैव अ बंपर लिस्टिंग गेन वेटिंग ऑन दिस आईपीओ फॉर एवरी वन ऑफ अस. अब बात करते हैं मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं. नहीं दोस्तों, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट और भी जगहों पे करी है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और आई एम प्लानिंग फॉर वन मोर NFOs, आई एम ट्राइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट. सो येस, मैं अभी इसके अंदर नहीं करूंगा. और अगर मेरे को आपको एक रिकमेंडेशन देनी है, तो रिकमेंडेशन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि येस फॉर लिस्टिंग गेन ऑल्सो करेंटली इट इज लुकिंग गुड, सो जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए वो इसके अंदर डाल सकते हैं. हाउएवर, इफ इन केस द लिस्टिंग गेन गोज रॉन्ग और लिस्टिंग गेन आपको नहीं मिलता, देन यू माइट हैव टू वेट फॉर अ वेरी गुड टाइम कि आपका कैपिटल एक अच्छे अप्रिशिएशन के साथ आप उसको निकाल पाए. उसके लिए शायद आपको काफी टाइम भी लग सकता है. सो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी कल अगर आप इस आईपीओ के लिए बिडिंग करना चाहते हैं. और अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, आपको सुन के इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो दोस्तों बिल्कुल जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर मुझे और मोटिवेट करता है और मेहनत करने पे, और वीडियोस बनाने में, और इन्फॉर्मेशन आप तक लाने में. और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस बेल आइकन को तो जरूर दबाएं. थैंक यू.